उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर बैंकों के उत्पीड़न से व्यापारियों को बचाने के संबंध में प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री को सौंपा। ज्ञापन के द्वारा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया है कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से लग रहे लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन में बाजार बंद रहने के कारण पैसे की आमद लगातार घटती जा रही है। भारी संख्या में व्यापारी, उनके स्टाफ, उद्योग परिवार को चलाने के लिए अन्य सहयोगी कोविड-19 की चपेट में आए हैं, जिस कारण बैंकों के किस्त व ब्याज समय से जमा नहीं हो पा रहा है। बैंकों द्वारा प्रतिदिन समाचार पत्रों में व्यापारियों की संपत्ति के कब्जे तथा नीलामी के विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं, जिन्हें पढ़कर व्यापारी समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मांग करता है कि 2022 के बाद बैंकों के किस्त व ब्याज देर से जमा होने के कारण NPA होने वाले अकाउंट को 31 मार्च 2022 तक का समय खाते को नियमित करने के लिए दिया जाए। व्यापार को सुचारू रूप से पुनः स्थापित करने के लिए लॉकडाउन पीरियड के बैंक का ब्याज माफ किया जाए। 31 मार्च 2022 तक किसी भी प्रकार से ऋण खाते को NPA ना किया जाए। इन जैसी अनेक मांगों को लेकर आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पर आए और प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने वालों में कमल कुमार सक्सेना, जयदेव यादव, अजय आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल कुमार सक्सेना जी। किस बारे में लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? ये हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश से आज 11 से 12 के बीच में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें बैंकों द्वारा जो उत्पीड़न व्यापारियों को किया जा रहा है, तो उसके संबंधित ये 7 मांगे माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के को ज्ञापन देकर हम सौंप रहे हैं, ताकि वो हमारी इन मांगों को पूर्ण करें। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान व्यापारी जो है बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। कोरोना काल में पूरा अपनी स्टाफ की तनख्वाह और पूरा बहुत स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, और बैंक के माध्यम से जो खाते NPA हो रहे हैं, वो हमारी मांग है कि NPA ना हो। और जो ये मान लो व्यापारी अपना करंट अकाउंट खुलवाता है, तो उस पर GST का जो इन्होंने लगा रखा है, GST का अनिवार्यता ये खत्म होनी चाहिए। इसमें 7 मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, और हम पूर्ण विश्वास है कि हमारी माननीय सीतारमण जी जो इन मांगों को हमारी जरूर पूरे करेंगी।